से पढ़े लिखे आदमी को ग्यारसी और पत्रकारों को लिफाफेबाज, डॉक्टर कंपाउंडरों को उपकार लटकाने की बात, और यहां तक कि बहन बेटी को भी नहीं बख्शा। मैंने देखा कि राज का इलाके का खून हमारी रगों में है, हम इस अन्याय के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना प्रधान तो हम पहले भी थे ना, अब बन गए तो भी प्रधान है, नहीं बनते तो भी प्रधान रहते। लेकिन ये चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया कि इस विधायक को नकेल डालना जरूरी था। इस बात को मैंने उसी समझा, अगर इसको नकेल डालने का काम नहीं किया तो इसके गति को कौन रोकेगा। आप हमको भी कायर होने का करार दे देते, आप कह देते इससे सामने कोई राज का व्यक्ति में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, इसका सामना करने की हिम्मत नहीं है, ये कह देते ना, मैं चुनाव नहीं लड़ता, तो कहते ना आप लोग। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, इस आदमी को जमीन दिखाना जरूरी है, इस आदमी के नकेल डालना जरूरी है, इसको संस्कार दिखाना सिखाना बहुत जरूरी है, वरना इस इलाके को बर्बाद करके रख देगा ये आदमी। मैंने इसी मंशा से पंचायत राज में चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी ने कांग्रेस का टिकट हमको नहीं दिया, पंचायत राज के टिकटों का हक हमारा था ना, ईमानदारी से बताइए, मेरे अलावा किसी का था क्या? मेरा हक था ना, मिलना चाहिए था, मेरे साथ अन्याय हुआ, जनता ने देखा कि इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है, इसको जिंदा करना भी जरूरी है। मेरे घर पे जैसे टिकट कटने का समाचार लोगों को मिला, 500-700 लोग घर पे आ गए, कहा भाई कैसे बैठा है चुपचाप, तो मैंने कहा क्या करें, अब पार्टी ने नियथा कर दिया, हथियार मेरे पास है नहीं, मैं कैसे लड़ू चुनाव। उन्होंने कहा हथियार हम खड़े हैं आपके सामने, इन हथियारों को जहां काम में लो हम आपके साथ में हैं, वोट कांग्रेस के हाथ में नहीं है, टिकट में नहीं है, वोट हमारे हाथ में, आप चुनाव लड़ो, आपको जिताने का काम करेंगे, आप अचंबा करोगे। उस वार्ड में चौथी बार और निर्दलीय जिता करके भेजा, आदमी एक बार झूठ बोल के जीत जाए, हवा में जीत जाए, दूसरी बार चक्कर दे करके जीत जाए, तीसरी बार चौथी बार लगातार उसी वार्ड से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। क्या आपकी आशाओं पर, जनता के उम्मीद पर खरा उतरने का काम मैंने नहीं किया? जब मैं बहरोड विधानसभा से 20 साल पहले चुनाव लड़ा तो जखरणा से तो मुझे बहुत समर्थन मिला था, विशेष करके माताओं का, मातृशक्ति का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला था, और उन्होंने कहा हम आदमियों की बात नहीं मानेंगे, हम हमारे बेटियों को वोट देने का काम करेंगे, और मुझे अच्छे वोट देकर के यहां से भेजा था। मैं इनका एहसान नहीं भूल सकता। उस समय वो कहकर के अभी बालक है, अभी ये कैंडिडेट हल्का है, और मुझे हरा दिया। अरे आज तो मैं हल्का नहीं हूं, आज तो भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा, आज मैं एमएलए से भी लड़ा, आज मैं सरकार से भी लड़ा, और चार मोर्चों पर जीत करके आपके बीच में मजबूती दिखाने का काम किया है। अब तो कमजोर नहीं मान रहे हो, सही बताओ, अब भी कमजोर मान रहे हो क्या? नहीं मान रहे। और मैं ये चुनाव प्रधानी का नहीं लड़ता, जखाना वासियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर ये प्रधान भी निर्विरोध बनाता तो सामने खड़े होने वाला आदमी नहीं था, और जब कोई सामने खड़ा नहीं होता तो जनता भी नियथा होकर के बैठ जाती और निराश होकर के बैठ जाते और उस फैसले को स्वीकार करना पड़ता। अगर वो फैसला उसके पक्ष में चला जाता, प्रधान उस आदमी का बन जाता, आज विधानसभा में आपको मतदान केंद्र की तरफ जाने नहीं दिया जाता, आकर के चौपाल में धमकी दे करके कहता आपका वोट आ लिया है, आप घरों में बैठ जाइए, मेरे 20 आदमी का वोट डालने का काम करेंगे, और प्रजातंत्र की हत्या करने का काम ये व्यक्ति करता जिसको रोकने का काम मैंने किया। आज तो चुनावी साल आ गया, हर आदमी टिट-छिट करने लग गया, लेकिन जब 1.5 साल पहले विधानसभा का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, कोई आदमी इसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, विरोध करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कोई छू भी नहीं बोलता था, मैंने उसका विरोध करना सबसे पहले शुरू करने का काम मैंने किया है। आपको ध्यान होगा यहां पर क्षेत्र की सड़कों की क्या हालत थी, चाहे कुंड की सड़क ले लो, चाहे पहाड़ी की सड़क ले लो, चाहे उटोड़ी की सड़क ले लो, चाहे तसीम की सड़क ले लो,
तीन साल पहले इन सड़कों पर आधी आधी किलोमीटर तक धूल उड़ती थी, फसलें नहीं हुआ करती थी, रीढ़ की हड्डी हर आदमी की बीमारी हो गई थी, अस्थमा की और दमा की बीमारियां हो गई थी। उस बात को मैंने समझने का काम किया, गंभीरता से लिया, और पिछले साल 10 फरवरी को प्रधान बनने के बाद में 200 गाड़ियों के काफिले के साथ में मैं बैरून से निकला, लेकर के हिमाचल में स्वागत हुआ, रेवाड़ी चौक पे स्वागत,